एक मशहूर यूट्यूबर के उत्ते रेप के इल्जाम लगे ने। दस दिए कि एक लड़की के वलों पुलिस को शिकायत दी गई है, जिस दे विच उसने एक यूट्यूबर के उत्ते काफ़ी गंभीर इल्जाम लगाए ने। लड़की ने इतों तक किया है कि विआह का झांसा दे के उस दे नाल कई बार दुष्कर्म किया। हालांकि कई बार वह प्रैगनेंट भी हुई, पर जिस तों बाद उसका अबोशन करवा दिता गया। तो दस दिए कि यूट्यूबर अब्दुल्ला पठान के उत्ते यह मामला दर्ज किया गया, जिस दे खिलाफ एक लड़की दे वलों शिकायत दी गई है। तो लड़की का कहना है कि जदों ओह उसदे हस्पताल दे विच कम करदी सी तां उसनू व्याह दा झांसा दे के कई बार होटल दे विच लैके गया, जिथे उसदे नाल गलत काम किया गया। हालांकि इस दौरान एक रील भी बनाई गई, जो कि हुण सोशल मीडिया दे उत्ते काफ़ी तेजी नाल वायरल भी हो रही है, जिस दे विच अब्दुल्ला पठान ते उसदे नाल एक बैठी लड़की भी नज़र आ रही है। तो इस लड़की दे वलों ही अब्दुल्ला पठान जो कि एक यूट्यूबर है उसके उत्ते काफ़ी गंभीर इल्जाम लगाए गए हैं। इतों तक कहना है कि जब वह प्रैगनेंट हो गई तो अपने घर गई तो अब्दुल्ला पठान उसनू अपने नाल लैके मुरादाबाद दे विच आया, उत्थे आके एक हस्पताल दे विच उसका अबोशन करवा दिता। दो तो तीन बार उसने इल्जाम लगाए ने कि इस दौरान वह प्रैगनेंट हुई है, एक बार उसका अबोशन भी करवा दिता गया। तो पुलिस के वलों हुण अगली जांच शुरू कर दी गई है। तो मुरादाबाद तो यह मामला सामने आया, जिथे एक मशहूर यूट्यूबर अब्दुल्ला पठान के उत्ते रेप के इल्जाम लगे ने। उसके हस्पताल के विच ही काम करने वाली एक लड़की के वलों ये इल्जाम लगाए गए ने, जो कि गोरखपुर की रहन वाली दसी जा रही है। मैं आई हूँ यहाँ एफ आई आर दर्ज कराने के लिए। क्या हुआ था? एप्लीकेशन देने। आपके साथ क्या हुआ? ये मुरादाबाद का एक अब्दुल्ला पठान है, जो पेशे से यूट्यूबर और डॉक्टर हैं, हकीम। तो उन्होंने मुझे बुलाया था यहाँ गोरखपुर से काम करने के लिए अपने हॉस्पिटल पे। तो काम तो मैंने करी 4-5 महीने, लेकिन वो फिर मेरे साथ गलत काम करने लगे और बोले मुझे शादी करने के लिए। तो काफ़ी सालों से मुझे यूज़ कर रहे हैं और शादी का झांसा देके। और इस बीच में 2-3 बार प्रेग्नेंट भी हुई, 2 बार उन्होंने दवा खिलाकर अबॉर्शन करा दिया। बाकी एक बार मैं उनको बताई नहीं, अपने घर चली गई थी। और 2-3 महीने मैं उनसे बात नहीं करी। 2-3 महीने बाद उन्होंने मेरे घर गए। तो जब तक मैं 6वां महीना चलने लगा था हमारा, तो वहाँ से लेकर आए और बोले चलो हम तुम्हारा इलाज कराएंगे और तुमसे शादी करेंगे, हमारे बच्चे को भी हम अपनाएंगे। और फिर यहाँ पे लेकर आए, तो यहाँ मुरादाबाद में भगवती हॉस्पिटल है, वहाँ पे उन्होंने ऑपरेशन करा के मेरा अबॉर्शन करा दिया। जब शुरुआत हुई आपके साथ भी, तो आपने विरोध क्यों किया होता है? उस टाइम मैं बहुत डरी हुई थी, क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा धमकाते थे और मारने की, जान से मारने की, और मेरे घर वालों को बताने की। फिर मेरे न्यूड वीडियो भी बना रखा था, उसके लिए मुझे ब्लैकमेल भी करते थे। आखिरी बार कब मिली हुआ? आखिरी बार 12 फरवरी को मिली। क्या बोल रहे थे आखिरी बार जब मिले? आखिरी बार ये भी बोल रहे थे कि मैं तुझसे शादी करूँगा। और फिर फोन से संपर्क हुआ आपका? जी। क्या कहते हैं फोन पर? फ़ोन पे यही कहते हैं मैं तुझसे शादी करूँगा, और सामने कहते हैं शादी करेंगे, फ़ोन पे कहते हैं तू मेरे लायक नहीं है, मैं कहाँ हूँ और तू कहाँ है, अगर जमी आसमां का फ़र्क है तेरे और मेरे बीच। जब आप यहाँ मिली हो, कप्तान साहब से मिली हो, तो जवाब मिला है? जी, वो बोले हैं एफ आई आर करवाने के लिए, बोले यहाँ जमा कर दो, बाकी थाने में चला जाएगा आपका एप्लीकेशन, वहाँ एफ आई आर हो जाएगी। आप क्या चाहती हो? मैं इंसाफ चाहती हूँ, क्योंकि इसी वही नहीं मेरे साथ ज्यादती किया, उसका भाई भी है जिसका नाम अब्दुल मलिक है, वो भी मेरे साथ एक दो बार, उसने भी 2 बार मेरे साथ किया गलत काम। होगा ये थाना कुदरती में एक महिला के द्वारा, दो लोग हैं, एक अब्दुल्ला पठान है, एक अब्दुल्ला मलिक है, इनके ऊपर आरोप लगाया है कि ये लोग यहाँ पे एक दवाखाना चलाते थे और इसी का झांसा देके इन्होंने एक महिला को गोरखपुर से यहाँ पे बुलाया और उसके बाद में उसको एक कमरे में यहाँ पर रखा, वहाँ उसके साथ में गलत काम किया और अपने दोस्तों के साथ में मिलकर उसके साथ गलत काम किया। इसी आरोप के ऊपर थाना कुंदरकी में IPC की धारा 376(b), 313 और 506 का मुकदमा इसमें पंजीकृत किया गया है, और इसमें 2 लोग हैं उनको नामजद किया गया है, एक अब्दुल्ला पठान है, एक अब्दुल्ला मलिक है, एक व्यक्ति है जो अज्ञात है। इस पर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, जो भी तथ्य इसमें प्रकाश में आएंगे उसी के आधार पर इसमें आगे की जो बड़ी कार्रवाई है।